हेलो फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे व्रत में बना के खा सकते हैं या शाम को चाय के साथ बना के खा सकते हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे ढक करके 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3-4 घंटे में साबूदाना अच्छी तरह फूल गया है, ये सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन इसका एक एक दाना अलग है। इसमें मैं 4 मीडियम साइज का बॉयल और मैश किया हुआ आलू डाल रही हूँ। 3-4 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे। 1 इंच छोटे टुकड़े में कटा हुआ मैं अदरक डाल रही हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। ये व्रत में खाया जाने वाला सेंधा नमक है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। इसमें से थोड़ा सा लेंगे और एक छोटा सा टिक्की का शेप देंगे। साइज आप अपने पसंद के अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। गैस पर मैंने तेल रखा है गर्म होने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम हाई पर है। इसे तेल में डालेंगे। जैसे ही इसका कलर नीचे से चेंज होगा उसके बाद इसे पलट लेंगे और पलट पलट के तब तक तलेंगे जब तक इसका कलर अच्छी तरह से ब्राउन न हो जाए। इससे पहले मैंने आपके साथ व्रत में खाए जाने वाले मूंगफली के छोले, आलू की टिक्की, आलू का चाट, कई सारी रेसिपी मैंने शेयर की है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। कलर आप देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा ये कम समय में साबूदाना बड़ा बन के तैयार है। आप इसे अपनी मनपसंद की मीठी तीखी चटनी के साथ खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।